सुल्तानपुर की बेटी ने किया यूपी टॉप। हाई स्कूल में शेषी सिंह को मिला तीसरा स्थान। शेषी ने बताया सफलता का राज, शिक्षक पिता बोले बेटी ने सीना चौड़ा कर दिया। प्रायोजक है सुल्तानपुर बल्दीराय का नंबर 1 सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल गनापुर। एडमिशन कराएं 50% डिस्काउंट पाएं। मंगलवार को यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के नतीजे घोषित किए। हाई स्कूल में 89.76% छात्र सफल हुए तो वहीं इंटरमीडिएट में 75.52 छात्रों ने बाजी मारी। हाई स्कूल में सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने 98.33% अंक लाकर यूपी टॉप किया तो वहीं सुल्तानपुर जनपद की बेटी शेषी सिंह भी 97.67% अंक लाकर टॉपर बनी। राज मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली शेषी सिंह के टॉप करने के बाद उनके स्कूल में जश्न का माहौल दिखा, जहां अध्यापकों ने शेषी को बधाई दी, वहीं शेषी के पिता भी बेटी के टॉप करने पर भावुक हो गए। मीडिया से बातचीत करते हुए शेषी ने अपनी सफलता के पीछे का राज बताया। शेषी जी ने बताया कि कितने घंटे पढ़ती थी और कितना देर मोबाइल चलाती थी। मैंने मतलब विद्यालय से जो निर्देश मिला उसे फॉलो किया और टीचर्स को फॉलो किया और फिर लगातार मतलब स्टडीज कंसिस्टेंटली की, यही सब चीज़ें हैं। और जो स्कूल में क्वेश्चंस बताए गए या जैसे भी प्रिपरेशन करने के लिए कहा गया वो सारी चीज़ें की। लगभग कितने घंटे आपने पढ़ाई की? एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, फिर भी मतलब 6 से 7 घंटे हो जाता। अच्छा, इसके बाद आपका क्या इरादा है? मैं मतलब इसके बाद सिविल जाना चाहती हूँ, सिविल सर्विसेज में, देश की सेवा। इसमें योगदान किसका रहा आपका? सभी का रहा, विद्यालय परिवार से भी बहुत योगदान मिला, बहुत सहयोग मिला और परिवार से भी, सभी गुरुजनों से, सभी का आशीर्वाद था, सभी पेरेंट्स का आशीर्वाद था। माता जी आपकी क्या करती हैं? माता जी हाउस वाइफ है। पिताजी? पिताजी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। और पढ़ते समय आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसे नहीं, कभी कभी कुछ डाउट आते थे तो उसे स्कूल में टीचर से पूछ लेते थे, तुरंत क्लियर होता था। या पढ़ते समय नींद आती थी तब आप क्या करती थी उस समय? उतना नहीं, मतलब आदत पड़ गई थी तो उतना नींद नहीं आती थी, सो लेते थे। और मोबाइल? मोबाइल का यूज़ होता था, थोड़ा यूज़ करते थे, थोड़ा एंटरटेनमेंट में भी और पढ़ाई में। अब मोबाइल से कैसे, आप मोबाइल से कैसे दूर रहती थी ये आप आज के जनरेशन को बताइए। मोबाइल से दूर रहने का है कि मतलब मोबाइल से दूर रहना अभी बहुत मुश्किल है, फिर भी हम लोग उससे पढ़ते थे और ज्यादा से ज्यादा दूरी इस तरीके से बनाते थे कि उससे मतलब गलत चीजों से उसमें दूर रहें। शेषी ने जहां सफलता का हकदार बड़ी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को बताया, वहीं शेषी के शिक्षक पिता अभय नारायण सिंह ने भी बेटी की सफलता पर खुशी जताई और स्कूल के शिक्षकों को धन्यवाद दिया। बच्ची जो है आपका प्रदेश में तीसरा स्थान लाई है, उसके लिए आप उसकी तैयारी की संख्या? उसकी तैयारी के लिए वो स्वयं अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन से उस वक्त तैयारी करती थी और करीब 12-14 घंटे पढ़ती थी। बच्ची ने जो रैंक हासिल किया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्ची ने जो रैंक हासिल किया है बहुत ही खुशी की बात है और इसका श्रेय हम राज मॉन्टेसरी के अध्यापकों को देना चाहते हैं और बच्ची की मेहनत को देना चाहते हैं। आपको बता दें कि सुल्तानपुर टॉप करने और यूपी में तीसरा स्थान लाने वाली शेषी के घर बधाइयों का तांता लगा है। रिश्तेदारों से लेकर जनपद के अधिकारी भी शेषी को बधाई दे रहे हैं। एनडीटीवी भारत की तरफ से भी शेषी सिंह को बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।